वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा को। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये वीडियो जो है ये बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार SSC और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। हम लोग पॉलिटी के सेशन को देख रहे हैं और पॉलिटी के सेशन में हमारा क्या है, भारतीय संविधान की विकास की यात्रा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया तो हम ये देखेंगे। तो ये 1793 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या फिर 1771 ईस्वी में। तो हमें ये बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1773 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब, 1773 में। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, बात ध्यान देने वाली कौन सी है कि यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये कानून जो था ये एक प्रकार का कानून था और ये कानून भारतीयों के लिए नहीं था, यानी कि हमें इंडियंस के लिए ये कानून नहीं था। ये कानून जो था ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे कि कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ये भारतीयों के लिए नहीं था। इसी कारण से इस कानून को नियमन एक्ट भी कहते हैं। इस कानून को और किस नाम से जानते हैं, तो इस कानून को नियमन एक्ट भी कहते हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो ये भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ये पहला कदम था जिसने किस पर बल दिया था, तो ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया था। विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग अधिनियम था, इसका पहला कदम क्या था, तो इसका पहला कदम था ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल देना। क्या करना, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल देना था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में सबसे पहले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान 1950। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ये क्या हो जाएगा, 1773 क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो भारत में हो गई, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता में। कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, कौन सा अधिनियम था जिसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जस्ट हम लोगों ने ये प्रश्न देखा है, तो वो कौन सा अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो किस अधिनियम के प्रावधान के तहत किया गया था,
तो ये होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? जो गवर्नर जनरल का पद था वो पहली बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, पीट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर चार्टर अधिनियम 1793। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। गवर्नर जनरल का जो पद है इसे पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत बनाया गया था। ये पहले क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि जब 1773 में ये रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद आया तो ये उस समय केवल बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लेकिन जब 1833 का, जब क्या हुआ, 1833 का चार्टर अधिनियम आया, 1833 का क्या हुआ, चार्टर अधिनियम आया, तब ये बंगाल के गवर्नर जनरल से पूरे भारत के गवर्नर जनरल में बदल गया। इसका शीर्षक क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल से ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल में बदल गया। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय, उस समय ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद से ये क्या हो गया कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल में बदल गया था। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो था ये भारत का प्रथम ब्रिटिश से गवर्नर जनरल था। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा, तो सेम वही चीज़ इसमें भी हम लोग देखेंगे कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तब बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल ने ले लिया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ये कहाँ का, तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये कहाँ का था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और ये 1773 के जो अधिनियम था उसके तहत बनाया गया था। लेकिन अगर ये चीज़ पूछ दे कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था, बंगाल का पूछा यहाँ पर, यानी कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर पूछ रहा है कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो ये तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया। लेकिन अगर पूरे भारत का गवर्नर जनरल पूछ दे तो वो कौन था, तो वो था विलियम बैटिक। कौन था, विलियम बैटिक था। ये तो 1773 में कौन बना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बना। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आगे चल करके जब ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए, तो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद से पहले जो पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे तो ये कौन थे, तो ये विलियम बेंटिक थे। और विलियम बेंटिक जो है तो ये किस अधिनियम द्वारा बनाया गया, तो जैसे पूरे भारत में गवर्नर जनरल का पद कब आया, तो ये 1833 में आया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? सवाल हमारे क्या है, एक बार और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटिश में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम था, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम था, 1833 का चार्टर अधिनियम था या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, क्या होगा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट था, या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो ये क्या होगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अब अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का भी अधिकार मिल चुका था, तो ये 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत अधिकार मिला था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? सवाल अच्छा है। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम से पहले, जैसे सॉरी, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे? वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए थे, तो ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 1,00,000 रुपए शिक्षा के लिए दिया गया था। ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, ब्रिटिश मशीनरी जो थे उनको भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? भारतीय प्रांतों को उनकी ही विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया, वो कौन सा अधिनियम था? तो 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, या फिर 1861 का अधिनियम, वो कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम सा 1833 का अधिनियम क्या था, 1833 के अधिनियम के तहत जो है भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ये प्रश्न हम लोग डिस्कशन में पहले देख चुके हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो किस अधिनियम के तहत बना? सन 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, सन 1909 के अधिनियम द्वारा, या फिर सन 1919 के अधिनियम द्वारा। तो इसको हम लोग देखें कब ये होगा, तो ये हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई, एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई, ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। क्या है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो
तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुई। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था और उसका जो राजनीतिक कार्य था, तो इसको किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? 1833 के एक्ट, 1831, 1861 या फिर कोई नहीं? तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 1833 का एक्ट। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारतवासी अब अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते थे? थे चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडियन कॉन्सिकोल एक्ट 1861। तो वो कौन सा था? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? तो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसी चीज़ को देखा है, वही चीज़ यहाँ पर घुमा करके पूछ रहा है। तो निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, रॉलेट एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833। इसके तहत क्या हुआ था? भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली गई थी, यानी भारतीय अब अपने प्रशासन में भागीदारी ले सकते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम क्या था 1835, ये किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? वुड्स डिस्पैच, मैकाले का मिनट, थॉमस वेबिगटन या फिर हेनरी कॉलब्रुक? तो किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था ये? तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो है ये मैकाले का मिनट अधिनियम यानी मिनट आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को पूरे भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में या फिर 1885 ईस्वी में? तो हमें बताना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है ये कब नियुक्त किया गया? तो ये 1857 के विद्रोह के बाद में 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो जैसे कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया जो थी, साम्राज्ञी विक्टोरिया, उनके द्वारा भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन सारी चीज़ों की पूर्ति नहीं की गई। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी चीज़ है जो कि पूरा किया गया था? तो भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो इनमें से क्या था? ये सब कुछ तो कहा गया था, लेकिन इनमें से क्या था जो कि वास्तव में भारतीयों को दिया गया? तो ये था देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का जो अधिकार पत्र है ये किसे कहा जाता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर महारानी की घोषणा 1853।
तो स्वतंत्रता का अधिकार पत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महारानी की घोषणा 1858। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया, ब्रिटिश ताज ने यानी कि ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया, किस अधिनियम के द्वारा लिया, तो 1773 के अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा या फिर 1861 के अधिनियम के द्वारा। हमारा सही जवाब क्या होगा, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ये होगा 1858 के अधिनियम द्वारा, यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर लिया और अब डायरेक्ट क्या हो गया कि ब्रिटिश ताज के द्वारा शासन किया जाने लगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी उसे ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया गया या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके ब्रिटिश ताज के हाथों में शक्तियाँ आ गई, तो वो किस अधिनियम के तहत आई थी, चार्टर अधिनियम 1818, चार्टर अधिनियम 1835, चार्टर अधिनियम 1853 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो सचिव का पद मार्ले मिंटो सुधार 1919 द्वारा निर्मित किया गया, या भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1919 नहीं होगा, यहाँ पर 1909 होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 में हुआ था, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे। तो भारत में सचिव का पद जो है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो हमारा यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 हमारा सही जवाब होगा। इसके तहत यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी। 1861 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार था वो प्रदान किया गया था 1861 के अधिनियम के तहत। तो हमारा सही जवाब जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन काउंसिल यानी कि कथन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया और इसका कारण देखेंगे क्या है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषदें मनोनीत करती थी। तो हमारा जो कथन ए है वो क्या है कि इंडियन काउंसिल अधिनियम क्या है, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 ने भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया,
तो ये चीज़ जो है ये सही है, लेकिन इसके आगे हम लोग देखेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते थे जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषदें मनोनीत करती थी। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। तो हमारा यहाँ पर ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? निम्नांकित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा? हमारा सही जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। क्या है, भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी? भारत में किसने प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी? तो ये 1909 के सुधार अधिनियम में, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, या फिर 1835 के भारत सरकार अधिनियम में? तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद जो है ये किसने डाली थी, तो ये डाली थी किसने, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसकी बुनियाद डाली थी। गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई। तो पहली बार यानी गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा, सुधार अधिनियम 1909 द्वारा, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा? तो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा क्या, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को, या फिर लॉर्ड रिपन को? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो जनक है ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड रिपन से, या फिर लॉर्ड कर्जन से? एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो ये है लॉर्ड रिपन से एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध है। तो एक बार में हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि एल्बर्ट बिल विवाद आखिर है क्या, क्या है एल्बर्ट बिल विवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एल्बर्ट बिल विवाद आखिर है क्या, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो ये क्या है कि यूरोप के लोगों के द्वारा ये विरोध किया गया था, इस बिल का विरोध जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यूरोपियों द्वारा इस बिल का विरोध किया गया था। और विरोध क्या किया गया था कि उनका कहना था कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी उनका कहना ये था कि न्यायालय में कोई भी भारतीय सदस्य होगा तो वो यूरोपीय मामलों की सुनवाई करने के लिए, कोई भी आपराधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। और इस बिल का बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, विरोध हुआ, जिसके कारण लॉर्ड रिपन को ये बिल जो है वो वापस लेना पड़ गया था। तो एल्बर्ट बिल विवाद यही है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे किसके द्वारा रद्द किया गया था,
तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। और कब? तो 1878 में इसे रद्द किया गया था। सॉरी, यहाँ पर 1878 में इसे लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है इसे 1878 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। और इसे कब रद्द किया गया था? तो इसे 1882 में, 1882 में इसे क्या किया गया था? तो इसे रद्द किया गया था। ठीक है, तो लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे 1878 में लागू किया गया था, और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इसे रद्द कर दिया गया था। एचिसन कमीशन 1886 को डैस में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो प्रश्न जो है ये क्या है? एचिसन कमीशन 1886 को डैस में सुधार की सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था। तो भारतीय न्यायिक प्रणाली, भारतीय नागरिक सेवाएं, सशस्त्र बल या फिर रियासतों का प्रशासन। तो किसने सुधार के लिए इसमें सिफारिश के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए। किसके लिए? भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एचिसन कमीशन है क्या। एचिसन कमीशन, तो एचिसन कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय सिविल सेवाओं पर सिफारिशें करने के लिए एचिसन आयोग को नियुक्त किया गया था। भारतीय सिविल सेवाओं पर सिफारिश करने के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए। और इसे किसने नियुक्त किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया था, जिसे सर चार्ल्स एचिसन के तहत एचिसन आयोग के रूप में जाना जाता है। तो ये किसने, जैसे कि इस आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन जो है ये लॉर्ड डफरिन ने किया था। और किसके, जैसे कि इसमें अगर हम लोग कहें तो किसके तहत किया था? तो एचिसन, सर चार्ल्स एचिसन के तहत किया था, तो इसलिए इसे एचिसन आयोग के रूप में भी जाना जाता है। भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम था। इनमें से कौन सा था? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का जो प्रयास था, तो वो किस माध्यम से किया गया? तो वो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का आरंभ जो है ये 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो यानी कि किससे माना जाता है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ जो है वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम से माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? अब हम लोग देखेंगे कि विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीयों को, तो ये किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है उसे बताना है।
इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 उत्तरदायी शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रांतीय स्वायत्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 राज्यों में द्वैत शासन। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सही कौन सा है, तो यह है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1817 में, 1902 में, 1909 में या फिर 1912 में, ये जो है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 1909 में। कब? 1909 में। अब एक बार में हम लोग देख लेते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 जो है ये क्या है, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार है ये क्या है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक अधिनियम था जिस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। चुनाव प्रणाली के सिद्धांत में भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किया गया था। इसमें 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, संघीय व्यवस्था, द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब, 1909। क्या था ये, तो ये क्या था ये बताना है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, पूर्ण स्वतंत्रता देना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। तो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम क्या था, तो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसका प्रमुख प्रावधान नहीं है। तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो कौन सा एक है जो कि इसका प्रमुख प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, तो ये सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं देना, ये चीज़ क्या है, गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई। उदारवादियों की कौन सी मांग थी जो कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में स्वीकार की गई थी, तो ये भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ, परिषदों के आकार का विस्तार या फिर स्वराज्य का विचार। तो कौन सा इसमें सुधार था जो कि उदारवादियों की मांग थी और उसे मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार किया गया था, तो ये था परिषदों के आकार में विस्तार। तो उदारवादियों की मांग थी परिषदों के आकार में विस्तार और ये एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई थी। भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली भारत में सबसे पहले कब लागू की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है
ये लागू की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिरूपी की पेशकश की थी? निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? तो ये 1892 एक्ट ऑफ 1909, 1919 का संशोधन या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की अगर बात हो रही है तो पृथक निर्वाचन से क्या हो जाएगा, 1909 यानी कि एक्ट ऑफ 1909। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट ऑफ 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग जो है ये भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये 1919 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या फिर 1909 ईस्वी में। तो सांप्रदायिक निर्वाचन की जहाँ भी बात आ जाएगी तो हम लोग सीधे चलेंगे कहाँ पर, 1909 में। कहाँ चलेंगे, 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग होगा तो हम लोग 1909 की तरफ बढ़ेंगे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में आरंभ किया गया था। सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1862। क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग बार बार एक ही चीज़ को देख रहे हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यहाँ पर बात आ गया है। यहाँ पर वर्ड क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के पास जाएंगे हम लोग। तो हमारा सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है कब की? तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या फिर चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को? तो इसे हम लोग मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 20 अगस्त 1917 को जो सुधारों की घोषणा हुई थी तो वो घोषणा क्या थी। तो ये घोषणा जो थी वो क्या थी, तो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। किसका, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ठीक है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अब देखेंगे किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा अधिनियम है जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय शासन अधिनियम 1919, चार्टर एक्ट 1813 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, तो ये होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो है, इसे हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था, तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था, 1909 में, 1919 में, 1935 में या फिर 1918 में, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है इसके प्रकाशन की अगर हम लोग बात करें तो भले ही ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम है ये 1919 हो, लेकिन इसका जो प्रकाशन है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ कब,
1918 में, इसका प्रकाशन कब हुआ 1918 में, अगर आप लोग डेट जानना चाहेंगे तो इसका डेट क्या हो जाएगा 8 जुलाई होगा, 8 जुलाई 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1918। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप कौन सा एक्ट लागू हुआ था, कौन सा एक्ट जो है ये लागू हुआ था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप, तो 1861 का एक्ट था, 1935 का था, 1919 का था, या फिर 1909 का था। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये 1919 का एक्ट पारित हुआ था। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये किस पर आधारित था, तो मार्ले मिंटो सुधार पर, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, या फिर रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये किस पर आधारित था, तो ये आधारित था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या मुख्य अनुशंसा थी, तो इसकी मुख्य अनुशंसा क्या थी, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण, प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति, शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो था 1919 का, इसकी क्या प्रमुख अनुशंसा थी, तो इसकी क्या प्रमुख अनुशंसा थी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रांतीय शासन पर जन सामान्य की सीमित नियंत्रण। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं, 1919 का जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना में निम्न बातें क्या थी, तो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क क्या हो बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ए और बी दोनों सही है, उपरोक्त सभी गलत है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या होगा कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये भी सही है, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया, उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया भारत के लिए 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, या फिर 1947 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो भारत में उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1919 उसने किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, न्यायपालिका एवं विधायिका यानी लेजिस्लेचर के बीच शक्तियों का पृथककरण किया, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का आधिकारिकता किया, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय शक्तियों का आधिकारिकता किया इसने, भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया 1919 ने, केंद्रीय एवं प्रांतीय शक्तियों की आधिकारिकता किया। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया, तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो 1919 के अधिनियम, सॉरी 1909 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या फिर 1947 का अधिनियम। तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये हो जाएगा 1919 का अधिनियम। ध्यान रहे कि भारत में ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो थी 1919 में, तो ये कहाँ पर थी, ये प्रांतों में लागू किया गया था, कहाँ पर, प्रांतों में लागू किया गया था, लेकिन यही केंद्र में कब लागू किया गया था, तो 1935 में केंद्र में लागू किया गया था।
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो द्विसदनीय विधायिका केंद्र में कौन लाया? तो 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या फिर 1915 का एक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि ये केंद्र में कौन लेकर के आए? तो 1919 का एक्ट जो है ये केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लेकर के आए। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा के अधीन गठित की गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? द्वैत शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। किसके द्वारा जो है द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? तो वो मॉन्टेस्क्यू थे, मिंटो थे, तेज बहादुर सप्रू थे या फिर चेम्सफोर्ड थे, वो कौन थे? तो 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान के विकास की यात्रा से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। ये हमारा पार्ट वन है। इसके अगले वीडियो में हम लोग पार्ट टू इसका देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी और भी प्रश्न है, तो इसके पार्ट टू को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।